साक्षात दर्शन भी होते हैं यहाँ पे। भोले बाबा के ऐसा नहीं है कि नहीं होते, साक्षात बाबा के दर्शन होते हैं। और जब से यहाँ आना शुरू करा, प्रभु ने हमारे जीवन को बड़ा ही सहज और सरल बना दिया, जो कठिनाइयां थी सब समाप्त हो गई। जी ऐसी मान्यता है कि वो साधना के समय जब भगवती को प्रसन्न कर रहे थे तो उस समय उन्होंने महादेव को दसवां सिर अर्पण किया। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में गाजियाबाद के चमत्कारी मंदिर श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर में कावड़ियों की और भोले के भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि ये मंदिर साधारण नहीं है, बल्कि ये कई सिद्ध संतों की तपस्या की भूमि और महादेव के महाभक्त रावण की भी तपस्थली रही है। जी हाँ, इस मंदिर का संबंध रावण काल से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार पुलस्त्य के पुत्र ऋषि विश्वा, जो रावण के पिता थे, उन्होंने हिंडन नदी के किनारे घोर तपस्या की थी। इसी स्थान को दुधेश्वर हिरण्यगर्भ महादेव मंदिर मठ के रूप में भी आज लोग जानते हैं और यहाँ पर भगवान की पूजा करते हैं। कहा जाता है मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग मौजूद है वो स्वयंभू शिवलिंग है, यानी कि वो रावण के पिता की भक्ति से प्रसन्न होकर खुद ही महादेव ने अपना आशीर्वाद दिया था। रावण ने भी यहाँ पर घनघोर तपस्या की थी और अपना दसवां सिर महादेव को चढ़ाया था। इसी पर महादेव प्रसन्न हो गए थे। इस बारे में मंदिर के संत बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि साधना के समय जब भगवती को प्रसन्न कर रहे थे तो उस समय उन्होंने महादेव को दसवां सिर अर्पण किया। मंदिर में कई सिद्ध संतों की आज भी समाधि मौजूद है, जिनके भक्त दर्शन करते हैं और गुरु शिष्य की परंपरा को आज भी वैसे ही जीवित रखते हैं जैसे वो पुराने आदिकाल में देखी जाती थी। आइए दुधेश्वर मठ महादेव मंदिर के बारे में विस्तार से जानते हैं। मैं महंत गिरीशानंद गिरी, देवी मंदिर दिल्ली गेट गाजियाबाद से, और परम पूज्य गुरुदेव श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, जो दुधेश्वर पीठाधीश्वर प्रवक्ता श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, जिनके परम सानिध्य में ये कांवड़ महोत्सव मेला जो है बड़े धूमधाम बहुत उत्साह के साथ यहाँ पे मनाया जाता है, और जिनकी समस्त तैयारियां कर ली गई हैं और बस अब कावड़ियों का इंतजार है, जो भोले लगातार अनवरत हरिद्वार से गौमुख से जल लेके और गाजियाबाद दुधेश्वर मठ की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और बहुत ही श्रद्धापूर्वक भगवान के जलाभिषेक के लिए सभी कांवड़िया भोले भोली का श्री महंत गौरीगिरी दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर समिति सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। दुधेश्वर नाथ बाबा की चमत्कार के कई किस्से मंदिर के श्रद्धालुओं के बीच मौजूद है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि उनको यहाँ पर महादेव की शक्ति महसूस होती है, तो कई श्रद्धालुओं को साक्षात शिव के दर्शन इस स्वयंभू शिवलिंग में जल चढ़ाने वक्त होते हैं। सावन में यहाँ पर मेले का माहौल होता है और मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है। इस बीच विशेष कृपा पाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। आइए भक्तों के मुँह से ही सुने महादेव के चमत्कार की कहानी। और इसमें इतना सुकून मिलता है, सारे दुख हर सर यहाँ पे जो भी भक्त आता है सबकी इच्छा पूरी होती है, अगर श्रद्धा से आता है तो, और किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और अगर आप साक्षात देखें तो साक्षात दर्शन भी होते हैं यहाँ पे। भोले बाबा के ऐसा नहीं है कि नहीं होते, साक्षात बाबा के दर्शन होते हैं और बड़ी कृपा है। और
हमारे गाजियाबाद में इसकी बहुत मानता है और ये बहुत अच्छे भोले बाबा हैं। आजीवन महसूस होता है और यहाँ आने का अलग ही आनंद है, और जब से यहाँ आना शुरू करा प्रभु ने हमारे जीवन को बड़ा ही सहज और सरल बना दिया, जो कठिनाइयाँ थी सब समाप्त हो गई। सावर में यहाँ बहुत अच्छी तैयारियाँ होती हैं, पिछले दो वर्षों से तो जल भी बहुत अच्छा चढ़ाया जा रहा है, इतना भीड़ नहीं होती, पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। प्रशासन ने बड़ा सहयोग करा है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुलिस कर्मियों को, शासन प्रशासन को, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है, और भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें विद आपकी भी। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग भी काफी चमत्कारी है। ऐसी मान्यता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है और खुद ही यहाँ पर प्रकट हुआ था। आइए इस शिवलिंग से जुड़े इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। निश्चित तौर पे समस्त महानगर और समस्त भक्तों को विदित है कि महर्षि ऋषि विश्वेश्वर द्वारा स्थापित शिवलिंग, जिन्हें कालांतर में खुदाई के बाद दुग्धेश्वर महादेव के नाम से जाना गया, और यहाँ पे कालांतर में गौ माता आती थी, जिनका स्वतः उनके थन से दूध महादेव के ऊपर चढ़ जाता था, जिनके कारण भगवान का नाम दुग्धेश्वर पड़ा। और अनेकानेक इतिहास हैं शिव महापुराण में, पद्म पुराण में, सब में इनका उल्लेख आता है। उप ज्योतिर्लिंग जो हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाते हैं।